प्रभाग क्रमांक 32 मधील MIM चे भावी नगरसेवक आजर शेख यांच्या वतीने पवित्र रमजानच्या पार्श्वभूमीवर सैरी किटचे वाटप करण्यात आले. रमजान ईदच्या अगोदर संपूर्ण महिनाभर मुस्लिमांसाठी उपवास हा फर्ज आहे. पहाटे उपास धरण्यापूर्वी सैरी अर्थात भोजन केला जातो. पहाटे सैरी करताना कोणताही अडथळा निर्माण होऊ नये म्हणून प्रभाग क्रमांक 32 मधील MIM चे कार्यकर्ते अजहर शेख यांनी सैरी किट वाटपचे आयोजन केले. या प्रसंगी MIM च्या महिला जिल्हाध्यक्ष रेशमा मुल्ला, पालेखान पठाण, सलमा सय्यद यांच्या हस्ते सैरी किटचे वाटप करण्यात आले. शोभादेवी नगर वार्ड अध्यक्ष परवीन शेख यांच्या प्रयत्नातून हा कार्यक्रम पार पाडण्यात आला. रेशमा मुल्ला यांनी अजहर शेख यांचे कार्याचे कौतुक करत आपले मनोगत व्यक्त केले. अस्सलाम वालेकुम. आज नई जिंदगी एरिया में शोभादेवी नगर में MIM के कार्यकर्ता अजहर शेख इनके जानिब से जो ज़रूरतमंद है उनको सहरी के इंतज़ाम के लिए किट दिया जा रहा है. और सभी से एक गुजारिश करती हूँ कि अजहर शेख के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह इनको ऐसे ही काम करने की तौफीक दे और ऐसे ही ज़रूरत और गरीब मंद की काम करने की तौफीक दे. और इंशाल्लाह आगे भी अजहर शेख जो मसाले का इंतज़ाम है करने वाले हैं और अल्लाह इनके हाथ से अच्छे काम ले रहे हैं. बहुत अच्छी बात है और सबको रमज़ान मुबारक महीने की मुबारकबाद देती हूँ. बहुत बहुत शुक्रिया. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. अस्सलाम वालेकुम. अलहाज हाजी फारूक भाई शाब्दी इनके नेतृत्व में आज शोभादेवी नगर में जो ज़रूरतमंद लोग हैं सहरी के जिनको ज़रूरत थी उन्हें ऐसे लोगों को हमने सहरी के इंतज़ाम किया गया है. तो और आज ये अलहाज हाजी फारूक भाई शाब्दी इनके नेतृत्व में बल्कि जैसे कोरोना काल में उन्होंने 20,000 किट लोगों को दिया था उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने उनके जैसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए आज हमने नई जिंदगी प्रभाग क्रमांक 32 में उनकी फूल नहीं फुलाची पकड़ी. इसके हिसाब से हमने थोड़ा बहुत इंतजाम किया है. तो आगे चल के इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि आगे चल के हम फारूक भाई शाब्दी के बात करके हम सुकुमे का सामान भी इंशाल्लाह शोभा नगर में देंगे. और इतना बोल के मैं दो शब्द समाप्त करता हूँ. जय हिंद, जय.